हेलो एवरीवन, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। वेलकम टू मेहरोत्रास किचन। आज हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं पनीर पिज्जा रोल बनाने का आसान सा तरीका, और साथ ही बताएंगे कुछ ऐसी टिप्स और ट्रिक्स जिससे इस पनीर पिज्जा रोल को आप बहुत ही आसान तरीके से घर पर बना सकेंगे। इस रेसिपी से जुड़े सभी टिप्स और ट्रिक्स जानने के लिए वीडियो को शुरू से लास्ट तक पूरा देखिए। लेकिन इससे पहले सब्सक्राइब कीजिए मेहरोत्रास किचन चैनल को और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए। सबसे पहले एक बोल में हम ले लेंगे 3/4 कप बारीक कटा हुआ प्याज। साथ में हम उसमें डालेंगे 1/2 कप बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, 1/2 कप स्वीट कॉर्न। साथ ही हम उसमें डालेंगे करीब 1 कप कद्दूकस किया हुआ पनीर, और अब हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच पिज़्ज़ा मिक्स। साथ ही हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स। साथ ही हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच पिज़्ज़ा और पास्ता सॉस, और अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक आपके टेस्ट के हिसाब से। ध्यान रखिए सॉस में और पिज़्ज़ा मिक्स में भी नमक होता है, और इन सभी चीज़ों को अब हम मिक्स कर लेंगे। इस मिक्सचर को बनाते समय ध्यान रखिए कि जो हम मिक्सचर बना रहे हैं ये बहुत ज़्यादा ड्राई या बहुत ज़्यादा गीला नहीं होना चाहिए, और आप इसमें बहुत ज़्यादा सॉस का इस्तेमाल ना करें। तो यहाँ पर सभी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है एक बार, और बारी है अब इसमें चीज़ डालने की। तो यहाँ पे हम चीज़ ब्लेंड ले रहे हैं करीब 1/2 कप, उसे भी डाल देंगे और इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो प्रोसेस चीज़ का इस्तेमाल भी यहाँ पे कर सकते हैं। ध्यान रखिए ये सभी मसालों को एक साथ मिक्स कर लेने के बाद हमें बहुत देर तक इसे छोड़ना नहीं होता है, तुरंत ही हमें इसे बना लेना है। तो यहाँ पर ये मिक्सचर तैयार हो गया है, और अब हम ले लेंगे ब्रेड स्लाइस और इसके कॉर्नर्स कट कर देंगे। ये देखिए इस तरह से थोड़े बड़े ब्रेड के स्लाइस ले लेंगे और कॉर्नर्स को कट कर देंगे, और इन कॉर्नर्स को हम वेस्ट नहीं करेंगे। तो ये जो कॉर्नर हम कट करेंगे इनसे हम ब्रेड क्रम्स बनाएंगे। तो इन कॉर्नर्स को हमें मिक्सी में पीस लेना है और ब्रेड क्रम्स बना लेने हैं। अब हम एक बर्तन में ले लेंगे पानी, और ब्रेड के स्लाइस को हल्का सा एक साइड से हमें पानी में डिप कर लेना है, और हाथ से दबाकर उसका एक्सेस पानी जो है वो हमें निकाल देना है, और अच्छे से दबा दीजिए। और अब हम इस पर लगा देंगे वो जो फिलिंग हमने बनाई है पनीर पिज़्ज़ा की फिलिंग, उसको हमें इस पर लगा देना है। करीब 1 चम्मच फिलिंग ले रहे हैं हम यहाँ पे, बहुत ज़्यादा कम या बहुत ज़्यादा भर कर हमें फिलिंग को नहीं लेना है। अब सब तरफ से अच्छे से दबा दबा के हमें इसका एक रोल बना लेना है। ये देखिए इस तरह से इसे दबाते जाइए, और जब आप दबाएंगे तो ये ब्रेड जो है वो सॉफ्ट होती जाएगी, और आप इसे हाथ से दबाकर इस तरह से शेप दे लीजिए। ये देखिए इस तरह से हमने इसकी रोल की शेप दे ली है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ से अभी ये हल्का सा फटा हुआ नज़र आ रहा है। तो इसके लिए आप कर सकते हैं कि ब्रेड को हल्का सा पानी में डिप करके और ऊपर से इस पर चिपका दीजिए, और इसको हल्के हाथ से घुमाकर बस इस तरह से तैयार कर लीजिए। तो यहाँ पर हमने अभी 2 रोल बनाकर तैयार कर लिए हैं, और ब्रेड क्रम्स भी हमारे तैयार हैं। तो रोल को लेंगे और इसे ब्रेड क्रम्स में अच्छे से लपेट देंगे, इससे इसमें एक बहुत ही अच्छा टेक्सचर भी आएगा, और जो कहीं से अगर हमारी ब्रेड खुली रह गई होगी तो वो भी अच्छे से बंद हो जाएगी। इस तरह के रोल को बनाते समय ध्यान रखना है कि सबसे पहले आप इस तरह से सारे रोल्स को भर कर रख लीजिए, और जब आप उन्हें फ्राई करें तो उससे पहले इन्हें ब्रेड क्रम्स में इस तरह से लपेट लें, और हल्के हाथ से एक्सेस ब्रेड को निकाल दें, और मीडियम हॉट ऑयल में इन्हें फ्राई कर लें। ऑयल में डालने के बाद हमें इन्हें अभी टच नहीं करना है, और हल्के हाथ से इस गरम ऑयल को हमें इन रोल्स पे डाल देना है, जिससे ऊपर का भी जो ब्रेड है वो अच्छे से कुक हो जाए और इसमें एक अच्छी सी लेयर आ जाए।
और हल्के हाथ से चलाते हुए अब हमें इसे सुनहरा होने तक फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पर ये देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है और ये हमारा पिज़्ज़ा पनीर रोल बनकर तैयार हो गया है। चलिए आइए इसे निकाल लेते हैं। ये देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है और बाकी भी हम इसी तरह से बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर ये तैयार हो गए हैं पनीर पिज़्ज़ा रोल बहुत ही आसान तरीके के साथ। अगर आप हमारी बताई हुई सभी टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करेंगे तो ये रेसिपी एकदम वैसी ही बनेगी जैसी इसमें दिखाई दे रही है। तो हम आपको दिखाते हैं कि ये कितने बढ़िया बने हैं, बाहर से इतने क्रिस्पी हैं, अंदर से उतने ही सॉफ्ट और टेस्टी। तो ये देखिए हल्के हाथ से इन्हें देख सकते हैं कि जो चीज़ है वो अंदर अच्छे से मेल्ट हो गई है, कितना अच्छा लुक आया है, कितने बढ़िया बनकर तैयार हुए हैं। तो आप इस झटपट और आसान सी पनीर पिज़्ज़ा रोल की रेसिपी को बनाइए और इन्जॉय कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।